एक ऐसी यात्रा जिसने आंध्र प्रदेश में 3 दशक तक राज करने वाली सरकार को उखाड़ फेंका। एक ऐसी यात्रा जिसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खात्मे की बुनियाद रखी। एक ऐसी यात्रा जिसने भारतीय राजनीति का हिंदुत्वकरण कर दिया। एक ऐसी ही यात्रा जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी में जान फूंक दी। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से ऐसी ही यात्रा निकालने वाले हैं जो कि कांग्रेस की किस्मत को बदलने वाली है। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। देखा जाए तो हिंदुस्तान की सियासत में सियासी यात्राओं का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। किसी भी बड़े नेता या पार्टी को अगर जनता का समर्थन चाहिए होता है तो वो यात्रा पर निकल जाता है, जनता से जुड़ने के लिए या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक तमाम नेताओं ने राजनीतिक यात्राएं निकाली हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर पहले बात कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने भी 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जनता का मन टटोलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल निकाली थी। इस दौरान राहुल गांधी ने लगभग 4,080 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये भारत की सबसे लंबी पदयात्रा में से एक थी जो कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई और 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में इसका समापन हुआ। अब फिर से राहुल गांधी 2024 में भारत न्याय यात्रा निकालने वाले हैं जो 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा। इस मेगा यात्रा में 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। 6200 किलोमीटर की इस यात्रा में कांग्रेस जिन राज्यों को कवर करेगी उनमें मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्षी पार्टियां बीजेपी को शिकस्त देने की कवायद में जुटी हैं। इसके चलते इंडिया गठबंधन बनाकर विपक्ष सभी राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते राहुल गांधी इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को काफ़ी सफल माना जाता है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक जानकारों ने पार्टी को लाभ देने के संकेत भी दिए थे, जिसका असर भी दिखा। दक्षिण भारत में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस ने दूसरी सरकारों को हटाकर सत्ता हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बार की भारत जोड़ो यात्रा हाइब्रिड मोड में होने वाली है। एक्सपर्ट्स की माने तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस के संगठन को भी मजबूती देने की तैयारी में हैं। जिन राज्यों में पिछले सालों में कांग्रेस का जनाधार गिरा है उनकी सीटें कम हुई हैं, अब इस भारत न्याय यात्रा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाते हुए राहुल गांधी दिखाई पड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस यात्रा के जरिए वे जनता को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और ये समाप्त होगी मुंबई में। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे, इसलिए पार्टी ने इतना लंबा रूट भी तय किया है। अब सवाल आता है कि मणिपुर ही क्यों? दरअसल मणिपुर में इस साल मई महीने से ही हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब तक मणिपुर में हिंसा को रोक नहीं पाए हैं। राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए मणिपुर के दौरे पर गए थे और वहां हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात भी की थी।
इसके अलावा कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी, हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर को आधार बनाकर देश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में हैं। अब ज़रा उन सियासी यात्राओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनका जिक्र ऊपर शुरुआत में हम लोगों ने किया है। रिपोर्ट्स की माने तो 1930 में जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, इसी दौरान महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का ऐलान किया था। दरअसल भारत के समुद्र तटों पर आसानी से मिलने वाले नमक पर भारतीयों को ही टैक्स देना पड़ता था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे बसे दांडी गांव के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा करीब 400 किलोमीटर की थी, जिसे 4 जिलों और 48 गांवों से होकर निकालना गया था, और 24 दिन बाद 6 अप्रैल को दांडी गांव पहुंची थी, जहां पर महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक लेकर अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ा था। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एन टी रामाराव ने गांधी जी से प्रेरणा लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 29 मार्च 1982 को एन टी आर ने तेलुगु के सम्मान के मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया था। चुनाव इसी साल के आखिर में होना था, इसके लिए एन टी आर ने चैतन्य रथम यात्रा की शुरुआत की थी। ये देश के इतिहास की पहली रथ यात्रा थी, जिसमें शिवले वैन को मॉडिफाई करवाकर रथ बनवाया गया था। एन टी आर रोज करीब 150 किलोमीटर सफर करते थे, रथ ही उनका प्रचार कार्यालय, घर, मंच, सब कुछ था। एन टी आर का उस दौर में इतना क्रेज था कि लोग 72 घंटे तक उनका इंतजार करते थे। एन टी आर जब आते तो महिलाएं उनकी आरती उतारती। एन टी आर ने 75,000 किलोमीटर की यात्राएं की। चुनाव में एन टी आर को 294 में से 199 सीटें भी मिली। वे आंध्र प्रदेश के 10वें और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने। ऐसी ही एक यात्रा 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी निकाली थी। कहा जाता है कि गुलाम भारत में जैसे गांधी जी की यात्राओं के जरिए भारत की उन्होंने थाह ली थी, उसी तरह आज़ाद भारत की समस्याओं को चंद्रशेखर ने अपने पैरों से नापने की कोशिश की। चंद्रशेखर ने भले ही इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा की संज्ञा नहीं दी थी, लेकिन हकीकत यही है कि इस यात्रा के बाद उनका राजनीतिक कद भारत की सियासत में चढ़ता चला गया। इस यात्रा के कुछ ही साल बाद वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, जिसने देश की सियासत के रंग को पूरी तरह से बदल दिया था। साल था 1990, राम मंदिर निर्माण आंदोलन अपने चरम पर था। इस बीच बीजेपी ने गुजरात के सोमनाथ तीर्थ स्थल से अयोध्या के लिए यात्रा की घोषणा कर दी। इस यात्रा के सारथी बने लालकृष्ण आडवाणी। रथयात्रा 25 सितंबर को गुजरात के ख्याति प्राप्त तीर्थ स्थान सोमनाथ से शुरू हुई और सैकड़ों गांवों शहरों से होकर गुजरते हुए बिहार पहुंची। वहां पर तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में इस यात्रा को रोक दिया और आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए। इस रथयात्रा ने बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एक नई पहचान और जनता के बीच लोकप्रियता दी। कहा जाता है कि यहीं से बीजेपी की राजनीतिक यात्रा ने भी करवट ले ली और एक नए दौर में प्रवेश कर गई। रथयात्रा के बीच राम मंदिर आंदोलन में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। जब साल 1991 में लोकसभा चुनाव हुए तो इस चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई। इस यात्रा में देश की राजनीति में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसकी झलक आज भी सियासत में महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि आडवाणी ने सिर्फ एक ही यात्रा निकाली, उन्होंने अपने सियासी जीवन में कुल 5 यात्राएं निकाली हैं, जिनमें हिंदुत्व की राजनीति को धार भी दी। साल 2004 में आंध्र प्रदेश की सत्ता से टीडीपी को बाहर करने के लिए वाईएस राजशेखर ने एक यात्रा निकाली। साल 2004 में राजशेखर रेड्डी ने प्रजा प्रस्थानम यात्रा निकाली, जो कि चिवेल्ला शहर से शुरू हुई। 11 जिलों में होती हुई 1500 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा ने तय की थी। प्रदेश में ये यात्रा इतनी मशहूर हुई कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 294 सीटों में से 185 सीटें जीतकर टीडीपी के राज को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री बने राजशेखर रेड्डी। यानी कि जब जब राजनीतिक अवसान हुआ तो राजनेताओं और पार्टियों ने यात्राओं के जरिए ही सत्ता की राह देखी है। ऐसे में कांग्रेस की इस भारत न्याय यात्रा के जरिए आम चुनाव में सियासी लाभ पाने की उम्मीद ठीक ही है।
चूंकि यात्रा के खत्म होने के बाद ही पार्टी चुनाव में उतर जाएगी, ऐसे में उसे इस यात्रा का फायदा मिल सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। आपके लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ कांत छाबड़ा ने। मंच को देखते रहिए, उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।